दोस्तों आज हम पापड़ का पास्ता बनाने वाले हैं। इसके बाद मुझे इटली में एंट्री जरूर मिलेगी। पापड़ को बॉईल करने के बाद बर्फ वाले पानी में डालना है और सूजी के ऊपर रख के इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे। अब बटर में लहसुन प्याज मशरूम स्पिनच चीज पनीर सॉल्ट पेपर डाल के स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग को पापड़ के ऊपर डाल देंगे। पापड़ जिसको सूजी के ऊपर रखा था इसको इस तरीके से ढक के पापड़ की बनाएंगे रावियोली। जी आपने सही सुना, मक्खन में इसको दोनों तरफ से पका लेंगे और आपके पापड़ रावियोली है तैयार। अब इसकी एक शानदार सी बेसिक सी ब्लांच टमाटर के साथ सॉस बनाएंगे। 2 साल पहले हमने पापड़ पास्ता की रेसिपी शेयर करी तो इंटरनेट वॉज डिवाइडेड। कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को खराब लगी, पर जब लोगों ने घर पे ट्राई किया तो बहुत सारा प्यार हमें दिया। तो आज हमने पापड़ की ये रावियोली बनाई है। कभी कभार सीख लेनी चाहिए नई चीज है। आज टीचर्स डे है और फिर डिसाइड करना चाहिए कि आपको ये डिलीशियस लगी या नहीं।